नीमच में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण, जहां शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन मरीजों की संख्या का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, वहीं देखा गया है कि अब कोरोना की रफ्तार ग्रामीण क्षेत्र की ओर भी बढ़ गई है। लगातार गांव-गांव में कोरोना के मरीजों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने किल कोरोना के माध्यम से पूरे गाँव का घर घर जाकर सर्वे कराने का निर्णय लिया है, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता आंगनबाड़ी आशोषा पूरे गांव के घर घर जाकर थर्मल स्कैनिंग ऑक्सीमीटर से जांच करेंगे, जिसे तत्काल ये मालूम पड़ जाएगा कि अगर थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम बुखार हो तो उसको वही दवा गोली दे दी जाए। अगर मरीज की हालत गंभीर हुई तो उसको जिला चिकित्सालय रेफर किया जाएगा, जिसको लेकर क्या कहा कोविड-19 प्रभारी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश कलेचा ने, आइए सुनते हैं। में तीन ब्लॉक है, तीनों ब्लॉक के दोनों माननीय विधायक और उनकी टीम और तीसरे मेरा अपना विधानसभा का ब्लॉक, तीनों की आज सुबह से हमने बैठक करी है। अप्रॉक्सीमेटली परसों 2800 के करीब हल्की सी जुकाम और खांसी वाले पेशेंट पूरी सर्वे में आए। हमने परसों, मैंने अपनी गाड़ी से 5000 किटें मंगवाई टेस्ट की और उन सबको कल शाम तक टेस्ट करने के आदेश देके किटें डिस्ट्रीब्यूट कर दी। जो हर पंचायत वाइज टीम बनाई, जिसमें एक राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता, एक आशा कार्यकर्ता, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जहाँ जरूरत है वहाँ पटवारी नहीं तो पंचायत का सचिव, रोजगार सहायक, इनमें से एक मिलाकर ऐसे 5 से 7 आदमियों की टीम बना दी और वो हर घर का सर्वे करके काढ़ा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। साथ में जिसको भी हल्का सा भी खांसी या जुकाम है उसको दवाइयों की 5 दिन की किट वहीं घर पे देंगे, और जिसका ज़्यादा स्थिति होगी, जो पूरी स्थिति बिगड़ने के पीछे कुछ लोगों ने अस्पताल के डर से घर से नहीं निकले और 80% केसेस जितने भी भर्ती हुए वो बिना कोरोना टेस्ट के, जब वो ऑक्सीजन लेवल एकदम गिरा तो भाग के आए, क्योंकि ये जो व्यवस्था में जो चूक हुई, जो जनता ने उसे बहुत हल्के से लिया, उस कारण ये थोड़ा बिगड़ा। अब ये कंट्रोल में आ गया, ये तकरीबन 600 तक हाईएस्ट गया था पेशेंट का लेवल, कल 450 पे आ गया था, अब वापस कंट्रोल में आ गया। आज मेरे पास 100 से ज़्यादा बेड अवेलेबल है। मैंने आते ही एक ज़िले के अलावा 8-9 स्प्रेड सेंटर बनाए, और स्प्रेड सेंटर खुले होने से उन्हें शुद्ध हवा और पास में अच्छा वातावरण मिलने से भी उनकी मानसिक रूप से भी तेज़ी से ठीक होके निकले। मुझे बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि 32 ऑक्सीजन लेवल का पेशेंट आया था और वो 3 दिन में ठीक होके चला गया। मैं खुद ताज्जुब कर रहा हूँ कि वातावरण इतना भी असर डाल सकता है, ये मैं मेडिकली नहीं मानता हूँ, लेकिन ऐसा सिंगोली में हुआ, ऐसा जावद में हुआ, ऐसा मनासा में हुआ। तो क्या है कि जो घबराहट से जो ज़्यादा गिर रहा है उससे साइको ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है, मेडिकल ट्रीटमेंट के। तो ये स्प्रेड का हमारा सिस्टम थोड़ा ठीक कामयाब हुआ, 2 दिन में हमारे पास डिटेल हर घर के सर्वे की रिपोर्ट आ जाएगी, तो हम फर्स्ट स्टेज के पेशेंट को अगर ट्रीटमेंट कर देंगे तो ये चेन भी टूट जाएगी और ये स्प्रेड भी रुक जाएगा। नीमच से दीपक खताबिया की ये रिपोर्ट।